चलेंगे। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं हमारी ऐप की जाने जाता हूँ। ये स्क्रीन तो विजिबल है ना, प्रीवियस ऐप एक दफ़ा वो रन जी हो सर चुकी। विजिबल है सर, जूम कर दे थोड़ा सा। मैं जूम कर देता हूँ, पहले मैं हमारे प्रीवियस ऐप देखता हूँ कि कहाँ तक वो पहुँच गई थी हमारी ऐप। आज आपको एक छोटी सी हम मॉडल क्लास भी बनाना सीखेंगे कि हम अपनी पर्सनल मॉडल क्लास हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। जस्ट वो प्रीवियस ऐप जो है वो रन हो गई, इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने क्या क्या काम करवा दिया आपको। ओके जी, स्क्रीन रन हो गई है, मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ एक दफा। ओके जी, ये चीज हमने बनाई थी। आज हम क्या काम करेंगे कि ये जो है ना, इसके अंदर ये आइकन रिमूव कर देंगे, इसकी जगह आज हम क्या करेंगे, इमेजेस इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जी सर। तब तक कोई एक बंदा ना अच्छी सी इमेज ढूंढ के उसका यूआरएल तो जरा इधर चैट में पेस्ट करे, ताकि हम वो इमेज यहाँ पे सेट कर सकें, VHD हो इमेज। ओके तो ठीक है, ये है तो कॉलम्स हैं, हमने कॉलम्स लिया था, ऐप बार ली थी, ऐप बार का भी आपको आइडिया, कॉलम लिया था, कॉलम के अंदर मैंने रो ली थी, रो के अंदर एक कंटेनर था जिसको मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, कस्टम कंटेनर हमने इसका नाम रखा था। अच्छी अच्छी अब इस कंटेनर के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो हम ये कंटेनर की हाइट वेट्स वगैरह सारा कुछ अभी एक दफा क्या कर देते हैं। ये एक सेकंड, पहले मैं आपको बता लूँ करना क्या। ये फूड है, इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लूंगा एसेट्स के नाम की। ठीक है, एसेट्स लाजमी नहीं कि आप एसेट्स ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्लटर के अंदर एसेट्स लिखा होता है इसलिए मैं एसेट्स ही लिखता हूँ। ठीक है, ओके जी, मोहम्मद रफी महमूद ने ये हमें एक यूआरएल दे दी है। ठीक है, गुड है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप पे। ठीक है, ओके तो ये एसेट्स का फोल्डर क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ओके, इसके बाद क्या आना है, हमने पब स्टैक यूएमएल में आना है। सबसे पहले हम क्या करें, कॉपी रेफरेंस पाथ इंटेलिजे के अंदर ये इस तरह ऑप्शन है, वीएस कोड के अंदर मुझे नहीं आइडिया वो किस तरह की ऑप्शन देता है कि पाथ को कॉपी करने के लिए, वो आप लोग देख लेना, मुझे इसका आइडिया नहीं है वीएस कोड का। ठीक है, वो इसका मैं पाथ कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा पब स्टैक यूएमएल के अंदर। ठीक है, ओके सर। ओके, पब स्टैक यूएमएल के अंदर आने के बाद ये देखें, टू एसेट एप्लीकेशन एड एसेट सेक्शन लाइक दिस। ठीक है, मतलब कि आपने अपनी इमेजेस वगैरह शो करवानी है तो वो ये वाला उन्होंने तरीका बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि एक एक इमेज को ऐड करने का, लेकिन हम ये क्या करते हैं, हम एक एक इमेज ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम जो है एक साथ एक फोल्डर का लिंक दे देते हैं, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी वो इमेजेस होगी वो सारों को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये इसको मैं रिमूव करता हूँ और साथ में ये करता हूँ, ये देता हूँ यार, इसको क्या हो गया, कंट्रोल लगा। ठीक है, मैं ये करता हूँ और इसके बाद करता हूँ पब गेट, देखते हैं हमें एरर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं मिला। ठीक है, लेकिन एरर होना चाहिए तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, अब ज्यादा क्लियर है ना। जी सर। अच्छा, ये एसेट्स और इसका पाथ सेट करना बहुत लाजमी है, ये यहाँ पे स्पेस मैटर करती है। ये देखा मैंने इसकी स्पेस जो है वो कर दी है, अब देखते हैं अब हमें एरर मिलता है कि नहीं। फिर इन्होंने अब फिक्स कर दी ये चीज, पहले नहीं थी, पहले इसके अंदर स्पेस मैटर करती थी। अगर स्पेस जी सर, पहले इसके अंदर स्पेस जो है ना वो मैटर करती थी कि अगर आपकी स्पेसेस जो हैं वो कम या ज्यादा हो तो ये आपको एरर देता था, लेकिन अब इन्होंने मेरे ख्याल में इस चीज को फिक्स कर दी, यहाँ पे स्पेसेस खत्म कर दी। इस तरह पैटर्न के अंदर
स्पेसिस मैटर करती थी, इस तरह इसके अंदर भी स्पेसिस मैटर करती थी, अब इन्होंने ये खत्म कर दिए फिर। ओके तो एसेट्स आ गए, इमेज मुझे ये भाई ने लिंक दे दिया था वो मैंने सेव कर ली है। मैं ये इमेज को कुछ भी नहीं कर रहा, जिस तरह हम नॉर्मली हम चीज़ों को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैं एसेट्स पे टैप कर और मैं ओके करता हूँ, तो ये क्या है हमारे एसेट्स के अंदर ये इमेज आ रही है, आप ये तो देख भी सकते हैं। ठीक है जी सर। ठीक है, इमेज को अगर आप लोग देखें तो मैंने इमेज को डिस्प्ले करवाने के मैंने दो तरीके बताए हुए, एक था हमारा क्या नाम है इसका, इमेज को डिस्प्ले करने का इमेज एसेट्स, और एक नेटवर्क से हम इमेज अपनी डिस्प्ले करते हैं कस्टम बॉक्स लग। ठीक है, ये कंटेनर है, कंटेनर में ठीक है, ये अभी हम मार्जिन वगैरह ये क्या करता हूँ, मैं इस कंटेनर को करता हूँ रिमूव। तो एक मैं करता हूँ सेंटर, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ चाइल्ड, और एक है हमारा इमेज एसेट, इमेज डॉट एसेट। ठीक है, ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, मतलब उस इमेज जहाँ पे पड़ी उसका पाथ लेगा। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ कॉपी रेफरेंस इमेज एसेट्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अभी हमारे पास किस तरह डिस्प्ले में आएगा। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह से इमेज तो इंपोर्ट हो गई है, लेकिन वो बोल रहा है कि आपकी ये इमेज बहुत बड़ी है, ये देखें ये राइट से भी हमें एरर दे रहा है और यहाँ से भी ये एरर दे रहा है। ठीक है, एक मिनट में इसका ये जो बॉटम लिखा हुआ इसको जरा मैं रिमूव कर लूँ, बॉटम शीट। इसको दोबारा से ये देखिए, यहाँ पे भी मुझे बहुत ज्यादा इसने एड्रेस दे दिए, ये देखिए ये नीचे भी अच्छा खासा इसने मुझे एड्रेस दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको सेट किस तरह करते हैं, इसकी एक हम स्पेसिफिकली विड्थ दे देते हैं 200 और सब स्क्रीन शेयर करते हैं कोडिंग वाले। ओके सॉरी, ओके तो ये जो हमने इमेज दी थी इसको मैंने हाइट दे दी 200 और विड्थ दे दी 200, और मैं इसको क्या देता हूँ एक सेकंड, हाइट 200 by 200 का हम देखते हैं कि ये अब हमें किस तरह डिस्प्ले देते हैं। विड्थ इसकी थोड़ी सी और कम करते हैं, इसकी करते हैं 150। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये विजिबल है इमेज आपकी। ठीक है, वो चार आइटम्स की जगह पे क्या आ जाएगी, चार इमेजेस आ जाएंगे। इस तरह चार इमेजेस के साथ चलूं या एक इमेज को कम्प्लीटली सिर्फ एक ही स्क्रीन में एक इमेज में रखें, वो सही रहेगा सर? एक के साथ कर लेते हैं हम। ठीक है, बहुत ज्यादा कम्फर्ट रहेगा, मुझे भी यही लग रहा है। चलो हम इसको एक कर लेते हैं, इसको कोई मसला नहीं है हमारे लिए। इधर के ये हमारा कॉलम रो बॉडी, इस पूरे को मैं क्या करता हूँ उड़ा देता हूँ। ठीक है,
सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा सा लैग कर गया था। सर कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो मैंने ये कस्टम कंटेनर का, कस्टम कंटेनर के अंदर आते हैं तो ये क्या है इमेज, इसकी मैंने हाइट वीट दी है। मैं दोबारा इसकी हाइट वीट रिमूव करके आप लोग को दिखाता हूँ ये हमारे पास एमुलेटर में अब किस तरह शो होगी। तो ये हमारे पास एमुलेटर में अब इस तरह शो होगी, ठीक है। यस सर। क्लियर है? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है इसको, ये तो हम बोल रहे हैं यार इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, ये इसको पूरी स्क्रीन पे सेट करना है। तो अब हम देखते हैं इसको पूरी स्क्रीन पे हम किस तरह सेट कर सकते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है फिल के नाम से, फिट के नाम से, ठीक है। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, बॉक्स, बॉक्स फिट। मैं डॉट करूंगा तो वो आगे मुझे बता देगा, कवर करना है, फिट हाइट करना है, कंटेन करना है, फिल करना है, फिल विड्थ करना है, नॉन करना है, ये स्केल डाउन करना है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है पूरी स्क्रीन पे फिट करने के लिए सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, बॉक्स डॉट फिट। तो हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह डिस्प्ले होता है। ओके, तो कोई चेंजेस नहीं आया इसके बॉक्स डॉट फिट करने पे, ये सेम है, भी वैसे ही है। तो अभी मैं उधर कोडिंग वाली साइड पे जाके इसकी जस्ट मैं प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, पिक्सल की बजाय मैं करता हूँ कवर। कवर में देखते हैं कि मैं कवर में क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं। और मैं करता हूँ फिल हाइट, अब माइट भी चेंजेस आपको देखने को मिले शायद, होपफुली कोई चेंजेस नहीं, स्टिल वही। कोई चेंजेस नहीं यार, इमेज कोई और नहीं है आप लोगों के पास, जस्ट ये एक ही है, इमेज चेंज करते हैं सर। वो निकाल लेते हैं अभी दूसरी वाली, कोई और लिंक दो यार मुझे, इमेजेस चेंज करते हैं क्योंकि इसके तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। चले साथ में हम देखते हैं इसकी हाइट विड्थ, विड्थ किस तरह डिफाइन करते हैं। विड्थ में इसकी बोल देता हूँ 100 और हाइट में बोल देता हूँ इसकी 100, ठीक है। 100 by 100 करता हूँ तो वो मुझे क्या है इतनी छोटी सी एक इमेज नजर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? पीस रखी है। ओके, जरा महमूद मोहम्मद सेकंड वाली देखते हैं। हाँ ये ठीक है। एक तो ये तरीका इमेजेस डिस्प्ले करने का, दूसरा अभी हम देखते हैं। मैं जरा ये वाली इमेज कॉपी कर रहा हूँ। एंड्रॉइड के लिए ना आपने जो इमेजेस रखनी होती है ना, जहाँ पे अगर हम कभी यूज हो, ये GIF है, JPG चाहिए जिसकी एक्सटेंशन हो JPG, ये कोई और है इसकी एक्सटेंशन, ठीक है। ये छोड़ो यार, मेरे पास एक है इमेज में है तो थोड़ी सी और सी, अगर मैंने डालना की हो तो डाल कर दी है, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। आप लोग रख दे, जी इमेजेस तो सेव हो चुकी हैं, मैं बस इनको कॉपी कर लूं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ले तो IMG1 और दूसरी इमेज पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक तो ये तरीका है इसको इमेज को डिस्प्ले करने का, हम कहीं भी कर सकते हैं। अब एक न्यू तरीका आया है जो फ्लटर 2.5 में, ठीक है, ये पहले नहीं था, अब आया है, ठीक है।
वो हम देखते हैं, और इसका भी मुझे कल ही पता चला है कि वो हम किस तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है एक है कंटेनर। कोड वाली स्क्रीन शेयर करते हैं। अभी कौन सी चीज ठीक है, अभी जो एक न्यू तरीका है हम उसको फॉलो करते हैं जो 2.5 है, ये वाला जो पहले मैंने बताया था आपको। एक सेकेंड में कंट्रोल जी कर लो। ठीक है, ये वाला प्रीवियस तरीका, पुराना तरीका है। ठीक है, तो हम वैसे एक इमेज का हम चेंज करके देख लेते हैं। कॉपी पाथ, मैं ये कॉपी करता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ क्या चीज़। ठीक है, मैं इसकी हाइट फिर से एक दफा रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूँ। ओके, ये जो न्यू इमेज है, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन में टोटली क्या हो गई है, फिट हो गई है। ठीक है, जी सर, जब मैं इसको फिल करता हूँ तो मैं देखता हूँ मुझे क्या आता है। ठीक है, ये जो ओल्ड तरीका, ये इतना कोई अच्छा नहीं है। ये सेम एडिट वही चीज हमारे साथ क्या करता है, बार बार रिपीट करता रहता है और कुछ भी नहीं करता। तो अब हम चलते हैं, मैं कोडिंग वाली स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। जो न्यू तरीका आया है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली खुद बहुत अच्छा लगा वो। तो ये मैं करता हूँ रिमूव, और रिमूव करने के बाद हम सिंपली जो कंटेनर हमने लास्ट टाइम लिया था वही हम कंटेनर लेते हैं। ठीक क्लियर है, कंटेनर कंटेनर के अंदर है डेकोरेशन और इसके अंदर हम पास करते हैं बॉक्स डेकोरेशन। क्लियर है, जी सर। यस सर। साथ साथ समझ तो आ रही है ना आप लोगों को। जी सर, आ रही है। ओके, कंटेनर है तो इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, डेकोरेशन के अंदर क्या लेते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे थोड़े से कुछ एरर दे रहा है, और इसको मैं एक दफा टेम्परेरी तौर पे क्या कर देता हूँ, कॉस्ट कर देता हूँ। कॉस्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखें इमेज ले रहा है और मुझे साथ में ये बता भी रहा है कि इमेज क्या है, डेकोरेशन ही थी, इमेज एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, डेकोरेशन, ये डेकोरेशन इमेज की मुझे सजेशन आ गई, और यहाँ पे ये क्या एक्सेप्ट करता है, एक इमेज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये क्योंकि कॉस्ट लिखा हुआ है इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है, मैं ये कॉस्ट रिमूव कर दूंगा तो ये एरर चला जाएगा। यहाँ पे हम वो वाला जो हमने लिखा था इमेज डॉट एसेट्स, ये वाली चीज एरर देगी, हमने यहाँ पे ये वाली चीज नहीं लिखनी, यहाँ पे हमने लिखना है एसेट्स इमेज, ये वाली इमेज लिखनी है हमने। ठीक है, जी सर, ओके, तो यहाँ पे मेरे से ये कुछ वही सेम, बाकी चीजें वही सेम है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम ये लगाऊंगा और यहाँ पे मुझे बोलेगा कि भाई मुझे एक इमेज दो, और मैं वही इमेज का कॉपी पास्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये इसको मैं कॉस्ट कर दूंगा एक दफा मेरे ख्याल में। ये आपको दोबारा कॉस्ट करना है। ठीक है, उसको मैंने कॉस्ट कर दिया तो वो क्या हो गया, वो मेरा जो ग्रीन ग्रीन लाइन थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब ये हमारे पास किस तरह डिस्प्ले में आती है। कौन सी इमेज है, नहीं ये नहीं चाहिए, दोनों ही एक बार में सेम इमेज कॉपी, एक मिनट, इमेज सेम कॉपी होगी, मैं जरा इमेज को ना चेंज कर दूँ ताकि नेक्स्ट जो हम इमेजेस हम चेंज करके देखेंगे उनमें भी हम डिफरेंस कर पाए।
फिर मैं पेस्ट करता हूँ, आईएमजी मान कर देते हैं। ठीक है, ये ओवरराइड का बोलेगा जी, ठीक है आप अलाउ है, आप ओवरराइड करते हैं, ठीक है ओके। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको डिस्प्ले भी देता हूँ। कॉपी रेफरेंस पाथ कस्टम अलर्ट एक ही मेरी मुझे डिस्प्ले दी जा रही है। लेटर को कुछ इशू हो गए, एक मिनट में करता हूँ। ओके कस्टमर आउट है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, जीपी इमेज वन है और ये इमेज मेरे पास वन है, ठीक है, और ये मेरे पास इमेज टू है, ठीक है ओके। तो मैं एमुलेटर दोबारा करा रन कर लो, टूल्स और ये वीडियो मैनेजर और ये अप्लाई कर देता हूँ, इमेज हाइट कस्टमर, ठीक है एमुलेटर करा दोबारा चल ले। अब मैं अपने दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, ये लीजिए आपको रनिंग नजर आ रहा होगा। बस ये एमुलेटर जो है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इमेज पहले बार प्रीवियस बार बार इसको रीलोड किया जा रहा है। सम टाइम ये फ्लटर के अंदर इस तरह टेस्टिंग के अंदर हो जाता है डीबग मोड में, कि जो भी एक चीज उन्होंने वो बार बार रिपीट करता वो अपनी मेमोरी में सेव करके। ये मैं कल इस तरह की एक टेस्टिंग कर रहा था इमेज की, देखते ये देखिए अभी मैं आपको इमेज डिस्प्ले करवाता हूँ। अभी इमेज नजर आ रही है आपको, चेंज हुई है। इमेज नजर आ रही है? यस सर। यस ओके, तो इसको मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे फिट वही बॉक्स फिट डॉट फिल करके देखते हैं इसमें हमें अब क्या चेंज देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ स्कोर भी अभी विजिबल करता हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं ये स्क्रीन बड़ी होगी, पूरी स्क्रीन पे ये फिट होगी इमेज। जी सर। ये मैंने क्या काम किया है मैं आपको दिखाता हूँ। वो वाला प्रीवियस पुराना जो मेथड था वो अब खत्म हो गया, वो अब ठीक से काम नहीं करता, वो हमने देखा है अभी। ये जो न्यू मेथड है ये अच्छा है, ये प्रॉपरली अब काम कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, बॉक्स डॉट फिट डॉट फिल किया है, तो फिल करने से क्या हुआ है कि उसने क्या हुआ पूरी इमेज बैक एंड पे सेट कर दी, जिस तरह आप लोगों ने पहले देखा है, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे उसने इमेज सेट कर दी है। यस सर। अच्छा, मैं फिल डॉट की बजाय मैं करता हूँ कवर करता हूँ, मैं कवर करके देखता हूँ कवर पे मुझे क्या देखने को मिलता है। ओके, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैं आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको साथ क्या किया जी, ये मैंने इसको कवर किया हुआ है, बॉक्स फिट डॉट कवर किया हुआ है, कवर करने पे मुझे इस तरह का नजर आता है, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसकी और प्रॉपर्टी एक है, हम वो देखते हैं, फिट हो गया कवर, फिट हो फिल हो गया कवर हो गया, कंटेन में देखते हैं कंटेन में हमें क्या देखने को मिलता है। मैं बस यहाँ पर स्क्रीन वही है, बस कंटेन में ही इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाकी की और प्रॉपर्टी देख ले, कंटेन फिल विथ नॉन और स्केल डाउन में देखते हैं, स्केल डाउन में क्या, ये कभी मैंने भी नहीं ट्राई की। ये मेरे ख्याल में सेम सेम एडिट वैसे ही आ रही, सेम फिल स्केल डाउन में सेम एडिट वैसे ही आ रही है। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमारे काम की सिर्फ दो ही चीजें हैं,
या तो एक है फिल है और या कंटेन है, ठीक है, फिल है और या कंटेन है, या हम इसको फिट हाइट करके देखते हैं, फिट हाइट करने के बाद ये हमें किस तरह नजर आता है। जी सर, ये फिट टाइट करने से ये हो गया, क्या हमें ये जो कवर वाला काम है वही हो गया, ठीक है। मैं इसको एज अभी ये क्या रखता हूँ, मैं इसको फिट हाइट ही रखता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो अब हम जरा कोड की जानिब आते हैं, मैं आपके साथ कोड शेयर करता हूँ। जी, तो मैं सिर्फ ये वाली जो चीज है, मैं सिर्फ ये वाली चीज बार बार चेंज कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। अभी मैंने फिट हाइट की है, पहले फिर कवर था, अभी हाइट पे ये बिल्कुल ठीक मुझे लग रही है, तो मैं इसको फिट हाइट रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें हैं, अलाइनमेंट है, हम इसकी अलाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ऑन एरर है, ये कुछ फंक्शन हम कर सकते हैं, अगर कोई एरर आ रहा है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इमेज को हमने रिपीट करना है कि नहीं करना, जी हम बोलते हैं अभी इमेज की रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जब होगी हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक हमें प्रॉपर्टी मिलती है, पहले तो हम पैडिंग दे देते हैं इसको, पैडिंग एज इंसर्ट्स ऑल, और चारों तरफ से मैं क्या करता हूँ, 10 की मुझे पैडिंग दे दो। और दूसरा ये कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इसकी एक ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। अब ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये करता है बॉक्स कंस्ट्रेंट्स डॉट, अब ये इसका लूज है, एक टाइट है, टाइट फॉर है, टाइट फॉर फाइनाइट है, और एक स्पैंड है, हम स्पैंड यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं करता हूं कॉस्ट, ये मेरा कौन हो जाएगा। अच्छा, ये मुझसे बोल रहा है कि आपने हाइट कितनी रखनी है, हाइट में बोलता हूं कि भाई इसकी जो हो वो 450, ठीक है, और विड्थ हो मेरे पास कितनी 350। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं अब हमें ये किस तरह नजर आता है। ओके, मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब स्क्रीन विजिबल है आपको, यस सर। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि मैंने इसकी हाइट और विड्थ देने से डिफाइन करने से क्या हो गया, इसकी हाइट और विड्थ डिफाइन हो गई और वो उसने उतने उतनी स्पेसेस क्या हो गया साइडों से खत्म कर दी, ठीक है। अब आ जाती कहीं जब किसी न किसी प्लेस पे हमें इसके ना ये कॉर्नर हमें राउंड करने की जरूरत पड़ती है, पड़ती है ना जरूरत, यस सर। तो अब हम वो देखते हैं, हम इसके कॉर्नर को हम राउंड किस तरह कर सकते हैं। ये मैं आपको परेशान हूँ, मैं जैसे ही आपका वीडियो लेक्चर में आपको पोस्ट करूंगा, ऐप में तो नहीं लेकिन क्लासरूम में इसके आपके साथ में स्क्रीनशॉट विद लिंक के साथ मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये जो हमने न्यू इसका मेथड आया है हमारा इमेजेस को डिस्प्ले करने का, ये तो हमें पता चला कि ये अच्छा तरीका है, इससे जो हमारी इमेजेस है वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं इमेज डेकोरेशन से बाहर आता हूँ, बॉर्डर में आ जाता हूँ, बॉर्डर रेडियस में, तो वो ये हमारा बॉर्डर रेडियस क्या एक्सेप्ट करता है, एक मिनट, बॉर्डर रेडियस ही हमारा एक्सेप्ट करेगा, बॉर्डर रेडियस ही, ठीक है। बॉर्डर रेडियस डॉट आल करूंगा और मैं रेडियस जिस तरह जीरो है डॉट करूंगा सर्कल, मतलब इमेज को हमने राउंड करना, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दूंगा, लेट्स सपोज मैं 10 दे देता हूँ, तो वो हमारा एरर क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। इस चीज को मैं अब डिस्प्ले करके देखते हैं कि ये अब मेरे पास ये किस तरह हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, वो जो सर्कल 10 देने से आप इसको आपके इसके कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखेंगे जो बिल्कुल है ना बिल्कुल राउंड राउंड हो गए, नजर आ रहे हैं आपको कॉर्नर्स, यस सर। जी सर, ठीक है, तो ये देखा है, हमने देखा है कि इसके जो कॉर्नर्स है वो क्या हो गए, टोटली बिल्कुल राउंड राउंड हो गए, ये हमें बड़े प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
अब मैं इसमें मैंने ट्राई नहीं किया, अभी मैं जरा इसके अंदर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर अब हम इमेज के नीचे भी अब हम कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देख मैं सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मैंने भी ट्राई नहीं किया, मैं अभी क्लास में ही ट्राई करने लगा हूँ कि किस तरह ये डिस्प्ले होता है। ओके तो कोड विजिबल है, चाइल्ड ये बोलते हैं, एक टेक्स्ट विजेट देते हैं हम इसको टेक्स्ट, और यहाँ पे अब हम कुछ लिखते हैं, हम लिखते हैं हेलो हाउ आर यू, क्योंकि ये स्टैटिक है तो इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। और यहाँ पे मैं ये स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट में हाइट क्या दे दी यार, वैसे ही इसको कलर्स डॉट में इसको बोल देता हूँ, और मेरा ब्लू कर दो इसके अंदर, ठीक है, और फॉन्ट साइज आप कर दो 30, फॉन्ट वेट W700, ठीक है। इसको अब हम एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करके देखते हैं कि ये हमारे पास ये किस तरह आता है, क्योंकि मैंने भी नहीं ट्राई किया और मुझे भी नहीं आइडिया इस चीज़ का। दैट्स क्रेजी, ये अच्छी चीज़ है। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो मैंने हेलो हेलो हाउ आर यू लिखा, तो वो क्या हो गया उस इमेज के ऊपर वहां पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। जी यस सर, सर। ओके तो यहाँ पे मतलब इसके अंदर हम जो भी चाइल्ड के अंदर हम जो भी कुछ भी लिखेंगे वो इमेज के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। हम इसके अंदर लेट्स सपोज मैं एक काम करता हूँ, ये चाइल्ड इसको मैं करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं एक लेता हूँ कॉलम, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ और टेक्स्ट लिखता हूँ यही अपना कंप्यूटर कोड, ये सारे कॉस्ट ही होने जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉस्ट कंप्यूटर कोड, और ये भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और ये यहाँ पे मैं करता हूँ कलर कलर स्टोर, इसको मैं देता हूँ वाइट, और फॉन्ट एट फॉन्ट वेट W700, और यहाँ पे मैं देता हूँ फॉन्ट साइज, हाँ फॉन्ट साइज हो गए, ठीक है, फॉन्ट वेट यही है, इसको सर से कहीं हाँ नहीं शो हो रही कोड वाली। ओके मैं करता हूँ शेयर 1 मिनट, अब विजिबल है। मैंने वो जहां भी टेक्स्ट लिया तो उस टेक्स्ट की जगह पे मैंने क्या किया कॉलम लिख दी है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अच्छा अब हम इसको देखते क्या भी हमें किस तरह डिस्प्ले देता है, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे दूँ, मैं 30 कर देता हूँ, तो मैं स्क्रीन विजिबल करता हूँ, ये देखें सेंटर में कंप्यूटर कोड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि लेट्स सपोज अब हमने एक अपने बैकएंड पे मतलब एक बैकग्राउंड में इमेज लगानी हो तो हम इस तरह अपनी एक इमेज लगा सकते हैं, और इमेज के ऊपर अगर कुछ लिखना हो तो भी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा जिस तरह मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, दो चार ये चीज मैं सेम डुप्लीकेट करके कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखते हैं अभी हमारे किस तरह, तो ये देखें ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ स्पेस दे देता हूँ, स्पेसर स्पेसर का तो आपको आइडिया है ना ये किसी यूज होता है,
इस लेक्चर में मैंने स्पेसर वगैरह के बारे में बताया हुआ है। हम इसको एग्जीक्यूट सॉरी मुझे इसने एरर दी क्योंकि ये कॉमा नहीं लगाया था बिना के सब कौन सी विजिबल ठीक। मैं जस्ट वो स्पेसर वगैरह दे रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा इसलिए आपको मैं यही इसी स्क्रीन पे रखा हुआ स्क्रीन में चेंज नहीं कर रहा। वो क्या हुआ उसने कंप्यूटर कोड मैंने 4-5 एक कॉलम लिया और कॉलम को उसने क्या कर दिया अपने हिस्से से क्या कर दिए इमेज के ऊपर राइट कर दिए ठीक है। तो इससे प्रीवियस जो वर्जन थे उसमें हमें इमेज के ऊपर लिखने के लिए हम स्टैक यूज करते थे तो अब हमें स्टैक की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इमेज के ऊपर लिखने के लिए तो हम क्या काम करेंगे ये वाला काम कर लिया करेंगे ठीक है। लेट्स सपोज इसको मैं बोलता हूँ कि नहीं यार ये इस तरह ना हो मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरे बैकएंड पे इमेज सेट हुई हो मतलब एज अ बैकग्राउंड सेट हुई हुई हो तो मैं क्या करूँगा ये इसकी कंस्ट्रेंट्स जो है वो मैं इसको कॉमिट आउट करता हूँ। मैं ये कोड आपको दिखाता हूँ अभी एक मिनट बार के कोड आपके साथ में पहले विजिबल कर दिया जो जो काम करो आपको पता चलता जाए जी कोड विजिबल मैंने कंस्ट्रेंट को किया था तो वो थोड़ा सा गंदा सा हो गया था हम इसको ना फिट करते हैं कंस्ट्रेंट्स है इसको मैंने अनकमिट किया अनकमिट करने के बाद इसको मैं लिस्ट दे देता हूँ साइड दे देता हूँ मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट डॉट हाइट। अच्छा ये मीडिया क्वेरी वाला काम क्या करता है ये काम ये करता है कि जो भी हमारे स्क्रीन का जितना साइज होगा ना उसके मुताबिक ये सारा उतना साइज सेट करेगा ठीक है। यस सर मीडिया क्वेरी क्या करता है स्क्रीन का जितना साइज है वो सारा सेट करते हैं। एक है डबल डॉट इंफिनिटी है वो भी यूज करते हैं लेकिन उसकी निस्बत मीडिया क्वेरी ज्यादा अच्छे है। ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन जरा शेयर करते हैं आपके साथ ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है यस सर यस सर। इससे क्या हो गया ये थोड़ा सा साइड से ये हल्का सा देखे तो ये हमने जो राउंड किया हुआ था तो उसकी वजह से आ रहा है बाकी बाकी जो स्क्रीन पे जो है ना पूरी की पूरी इमेज क्या हो गई हमारी फिट आ गई ठीक है क्लियर है जी सर। ओके एक तो तरीका ये है इमेज के ऊपर लिखने का दूसरा हम एक यूज करते हैं स्टैक। स्टैक हम यूज करेंगे तो वो स्टैक के आगे हम किसी लेक्चर में देख लेंगे स्टैक को कवर कर लेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ठीक है। एक तो हमारा ये तरीका है अब मैं जरा इसको स्टॉप करता हूँ। अब मैं आपको आज हम देखते हैं कि आज हम अपना जो है ना लिस्ट व्यू हमने देख लिया था आज हम लिस्ट व्यू बिल्डर देखते हैं ठीक है जी सर। एक सेकंड में जरा इस इमेज की हाइट विड्थ सेट कर लूं और ये जो हमने कॉलम में लिखा हुआ था इस कॉलम को मैं रिमूव कर दूं मैं स्क्रीन बल्कि शेयर कर देता हूं हम लोग के साथ कोड की साथ में आपको पता चले मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये जो कॉलम में हमने लिखा हुआ था कंप्यूटर कोड इसको मैं रिमूव कर रहा हूं एक मिनट मेरी जस्ट ये कॉपी कर लेंगे एक तो एटलीस्ट हमारे पास लिखा होना चाहिए कुछ ग्रीन लाइन को खत्म करने के लिए इसको मैं कॉफ कर दूंगा
कंस्ट्रेंट और एक्सटेंट। हाँ हम इसकी हाइट में दी, हाइट में इसको देता हूँ 200 में ज़्यादा है, 200 बाई करते हैं और इसकी विड्थ दे देते हैं 200 बाई 200। इसको कॉस्ट करता हूँ मैं, ये जो सेंटर इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये सेंटर में सिर्फ इमेज इसको सेट कर रहा था और कुछ नहीं, वो तो नहीं कि सेंटर में नहीं चाहिए, तो ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। सेंटर की वजह से वो इमेज सेंटर में सेट कर रहा था, अभी सेंटर में चाहिए नहीं। तो ये देख रहे हैं कि इमेज हमारी किस तरह एक कॉर्नर में इसने सेट कर दी खुद ब खुद, ठीक है। ओके तो अब हम आते हैं इसको जरा एक लिस्ट की फॉर्म में हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मॉडल क्लास बनाएं या ऐसे ही सेट रहने दें? मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसे ही एक दफा कर लें, कर लें। चलो लिस्ट व्यू मॉडल क्लास फिर किसी क्लास में ले, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। लिस्ट व्यू, ये बिल्डर, लिस्ट व्यू बिल्डर ये क्या करता है, ये डायनेमिकली चीजें जो है हमने हमारे एपीआई से मोस्टली जो डाटा हमारा फेच हो रहा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वो बोरा आइटम बिल्डर रिक्वायर था, वो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आना सर, इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न में ये हमसे एक्सेप्ट क्या करता है, एक विजिटर एक्सेप्ट करता है बिल्डर, ठीक है। तो इसके अंदर रिटर्न में हम क्या करेंगे, वही जो हमारा कस्टम कंटेनर ये कॉल कर देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे मैं आइटम काउंट मतलब कितने नजर आने चाहिए, मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं जरा रैप कर देता हूँ सेंटर में, देखते हैं किस तरह नजर आता है। मैं सिर्फ इनविजिबल करता हूँ, ठीक है। वो सेंटर में सेट करने से क्या हो रहा है, वो इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, एक तो हम इमेज को अपनी थोड़ा सा पहले की तरह बड़ा करते हैं, थोड़ी सी इमेज बड़ी होगी तो ज्यादा प्यारा लगेगा। तो साथ में हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से डेकोरेट हम किस तरह कर सकते हैं। ये कस्टम अलर्ट बॉक्स में आ गया, पैडिंग हमने दी हुई थी, अब हम इसको देते हैं मार्जिन। मार्जिन कॉस्ट एज इंसर्ट्स आल के बजाय मैं क्या करूंगा, ओनली और टॉप से मैं इसको दे दूंगा मार्जिन, ठीक है। तो यहां पे मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 450 और विड्थ दे देता हूँ 50। अब हम देखते हैं कि अपन लोग किस तरह निकल रहे हैं, एक मिनट। जी आप पता चला है कि ये नजर आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। जी तो ये देखें, ये अब मेरा जो है ना थोड़ा सा मैं प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ट्राई करना है, डायनेमिकली मैंने आपको बताया था ये जो इस तरह का ये सीन है आप लोगों ने इस तरह का सेम बनाना है, लेकिन ना हर एक दफा
हर स्क्रीन मतलब एक ये इमेज इस पे कंप्यूटर कोड लिखा हुआ है, दूसरी इमेज हो तो उस पे कंप्यूटर कोड ने लिखा हो, उस इमेज भी चेंज हो उसके ऊपर कुछ और लिखा हो। आप इस तरह करें, एक पॉइंट्स की एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है? ये आप लोगों का टास्क है, इस तरह की एक एप्लीकेशन बनानी जिसमें एक इमेज हो, इमेज के बैक पे कुछ लिखा हो, मतलब इस तरह की बैक एंड पे एक इमेज हो, इमेज के ऊपर कोई हल्का अच्छे अच्छे से कोएड्स लिखे हो, ठीक है? और वो कोएड्स क्या हो, डायनेमिकली हर ये इमेज है, इसके बाद ये वाली इमेज चेंज हो और इसके ऊपर कोई और कोएड लिखा हो, ये इमेज है, ये इमेज चेंज हो और इसके ऊपर कोई और कोएड लिखा हो, ठीक है? इस तरह 10 को 15 कोएड लिखे हुए हो, क्लियर है? ओके, बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर, वो लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कला काम लाजमी करना है, मतलब एक पोएट्स की एक एप्लीकेशन बनानी, मतलब वो जो एप्लीकेशन होगी वो क्या करेगी, हर इमेज के ऊपर उसका एक पोएट लिखा होगा और वो पोएट चेंज हो रहा होगा डायनेमिकली। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा लिस्ट भी देख ली है, अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं तो बता दें, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने जो सब किया ने एक दफा ओवरव्यू दे दे, रिपीट करते जरा एक दफा। ओके, ओवरव्यू दे देता हूं मैं आप, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है? जी, ये स्क्रीन कौन सी, कोडिंग वाली स्क्रीन? कोई नहीं। ओके, तो मैंने, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एक एसेट्स फोल्डर बनाया, उसको क्या किया, पब स्पेक यूएमएल के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया, आके ऐड किया, ठीक है? इसके बाद क्या किया हमने, इमेजेस के अंदर हमने पेस्ट किया, उनको कुछ नाम दिए, नाम देने के बाद हम क्या गए, हमारा ये जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है इसमें हमने अपना एक कस्टम हमने कंटेनर बनाया हुआ था, इसका नाम भी हमने कस्टम कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है? तो यस कस्टम कंटेनर के बाद हमने ये, मैं इसके अंदर खैर चीजें अभी पास हो रही है, आइकन आइकन वगैरह बाद में, आइकन की जगह आप एक स्टैक्स एक इमेज का लिंक दे देने और बाकी कुछ और आप लोग देख लेना क्या क्या देना है आपने, ठीक है? तो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने कुछ मार्जिन दिया हुआ है टॉप से, कुछ पैडिंग दी हुई है, ये एक कंस्ट्रेंट्स है, इसको हमने एक्सपेंड, ये हमने इस प्रॉपर्टी इसकी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए डेकोरेशन और बॉक्स बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर एक डेकोरेशन इमेज है उसको दिया हुआ है, ये एसेट्स इमेज, इमेज को डिस्प्ले करवाने का तरीका लिखा हुआ है कि हमने इमेज को किस तरह हमने डिस्प्ले करवाया, उसके हमने बॉक्स फिट हाइट कवर वगैरह देखा है, उसके कॉर्नर्स को हमने राउंड किया है और कुछ उसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा है कि टेक्स्ट किस तरह लिखा हुआ आता है, और ये इसका कुछ कलर है और ये इसका कुछ साइज है, ठीक है? जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको क्या किया, फिर हम मेन में आए हैं, मेन में आने के बाद हमने डायनेमिकली एक 10 की लिस्ट बनाई है, इस तरह की है। अब हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, हम बल्कि मैं आपको साथ में आज मॉडल क्लास भी आप लोगों की क्लियर करता ही जाऊं। लिब है, लिब के अंदर हम एक बनाएंगे फोल्डर, फोल्डर का नाम रखेंगे मॉडल, ठीक है? और मैं ये लिख देता हूँ, एक डार्ट फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं इमेज, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिंपली जिस तरह हमने क्लास बनाई थी अपने, उसके अंदर वैसे बेसिक लेक्चर के अंदर हम इस तरह सेम है, इस तरह एक क्लास बनाएंगे इमेज मॉडल, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ये है, तो इसके अंदर पास क्या होगा, एक स्ट्रिंग पास होगी, स्ट्रिंग, तो इसका नाम रख देता हूँ टाइटल इक्वल टू डिफॉल्ट, मैं इसको बल्कि यहाँ पे एक दफा ऐसे रहने का एरर देगा स्ट्रिंग, और दूसरा मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाँ ये मेरा टाइटल है और दूसरा मेरा क्या होगा, यूआरएल होगा, ठीक है? यूआरएल मतलब वो पाथ होगा, इसको भी मैं फाइनल कर देता हूँ क्योंकि ये चेंज तो होना नहीं है, इसको भी मैं फाइनल कर देता हूँ, और इसका नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ इमेज मॉडल, और यहाँ पे ये है दिस डॉ सॉरी दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट कर देता हूँ कंप्यूटर कोड, और
ये मैं दूसरा करता हूँ, दिस डॉट URL, और URL इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यहाँ से कोई भी मैं इमेज का पाथ ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी रेफरेंस पाथ, और ये डिफॉल्ट मैं इसको पाथ दे देता हूँ। क्लियर है? यस सर। ये मैंने क्या किया, एक मॉडल क्लास बना दी, ठीक है, इमेज मॉडल के नाम से, ठीक है। कस्टम अलर्ट बॉक्स में आ जाएगा आपको, अब सारा मतलब मोस्ट ये समझ ले कि मैंने आपको जो असाइनमेंट दी है वो आपको सारी मैं बता रहा हूँ खुद ही, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, ये आइकन है, आइकन को हम कर देंगे रिमूव, आइकन की हमें जरूरत नहीं है। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग, एक टाइटल पास करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक पास हो गया यू आर एल, ठीक है। मैं ये यू आर एल पास कर दूंगा और ये की है, ये सारा बुला देंगे हम। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, दिस डॉट टाइटल, टाइटल डिफॉल्ट में इसको दे दूंगा एबीसी, और दिस डॉट यूआरएल, यूआरएल में क्या दे दूंगा डिफॉल्ट, नहीं यूआरएल डिफॉल्ट सही देना चाहिए, तो ये मैं इसको डिफॉल्ट यूआरएल दे दूंगा, इसको क्या इशू हो गया। एक मिनट, इंटर स्ट्रिंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टू करेक्ट नेम मैच एग्जिस्टिंग, व्हाट इज दिस, ये चेंज हुआ है, ठीक है। डिस्टॉर्ट टाइटल, डिस्टॉर्ट यूआरएल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टाइटल है मैं यहाँ पे ये पास कर दूंगा टाइटल, वैल्यू ऑफ नल कांट बी असाइन टू द स्ट्रिंग कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट नहीं है, मुझे लेट्स टेक्स्ट स्टाइल ये कॉन्स्ट कर देते हैं, और ये इमेज एसेट्स है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यूआरएल पास कर देंगे, इसका भी कॉन्स्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा, यूआरएल एरर दे रहा है, इसका भी हमें डायनेमिकली जब होगा तो ये रिमूव हो जाएगा, इसको हम कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये समझ आ गई, ये समझ आ गई आपको जो मैंने किया है? यस सर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ, और लिस्ट का क्या नाम हमने रखा था इधर मॉडल क्लास में, इमेज मॉडल, इमेज मॉडल, ठीक है। क्या नाम रखूंगा, लिस्ट इमेजेस इज इक्वल, साथ में ये सेमी कॉलन लगा दूंगा, तो कॉस्ट में स्क्रीन जी, तो क्या इशू आ रहा है आपका, ठीक है, वो उसका कॉस्ट उसने बोला कि आपने ये लिस्ट वगैरह वाला कोई काम किया इस वजह से, ठीक है। लिस्ट ऑफ इमेजेस, एक तो ये तरीका है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कॉल करूंगा इमेज मॉडल, और इमेज मॉडल के अंदर मेरे पास एक टाइटल जा रहा था, इसको मैं रखता हूँ कंप्यूटर कोड बन, ताकि मैं क्लियर फाई हो गए, यूआरएल, यूआरएल में इसको दे देता हूँ इमेज वन का, ठीक है, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो गया,
ठीक है, ये तीन है। यहां पे मैं कर देता हूं, एलियन के स्पेलिंग बता रहे, ए एल आई ए एनी। अवेलेबल है कोई क्लासरूम में? जी सर अवेलेबल। यस ठीक है, इसका नाम टाइटल दे देता हूँ, इमेज 3 कर देते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई। वो मॉडल किस तरह बनाया, अब उसकी लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मेरी लिस्ट काउंट मैंने 10 नहीं करना, अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट इमेजेस डॉट लेंथ, उसकी जितनी लेंथ ही उतना ऑटोमेटिकली खुद चलेगा। अब ये चैन सेंटर है, सेंटर में चाइल्ड ये है। अब इसके अंदर मैं ये पास करूंगा, इसको एक टाइटल चाहिए और एक यूआरएल चाहिए, टाइटल। अब इसके अंदर मैं टाइटल क्या पास करूंगा ये देखते हैं हम। मैं वो जो मेरी लिस्ट है, लिस्ट इमेजेस, यहाँ पे मैं पास करूंगा इंडेक्स, उस इंडेक्स के ऊपर जो टाइटल पड़ा है वो टाइटल एक पास कर दो इसके अंदर। मैं इसको एंटर कर देता हूँ ताकि आपको सर क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, और दूसरा ये क्या करना है, मैंने इसके अंदर एक यूआरएल जा रही है, लिस्ट इमेजेस, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंडेक्स पास कर दूंगा और डॉट में क्या कर दूंगा, URL पास कर दूंगा और तीसरी की, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ये यूनिकली आइडेंटिफाई है और ये मैं इसको यूनिक की कर दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये हमारा किस तरह विजिबल होगा। ओके, मेन स्क्रीन में कुछ एरर्स आ रहे हैं। होम मेन स्क्रीन, होम होम एक मिनट, ये मैं इसको कॉस्ट करता हूँ तो क्या रहता है। ठीक है, मटेरियल आपको बोल रहा है ये, इसको कॉस्ट रिमूव कर दो। ठीक है, तो इसको मैं कॉस्ट करके देखता हूँ। ठीक है, ये मेरी की है, ये कॉस्ट है। ये मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास किस तरह डिस्प्ले हो जाता है। ओके, मैं किधर गया स्क्रीन, देख लें वन पे कंप्यूटर कोड वन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, दूसरे पे क्या है, एलियन लिखा हुआ आ रहा है जो हमने लिखा था। तीसरे पे क्या है, इस पे कुछ और इमेज भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। टोटली असाइनमेंट मैंने आप लोगों को बना के खुद दिखा दी कि ये किस तरह करना है। अब आपने इसको देख वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने आज काम करना है, कल की क्लास में मैं फिर आप लोगों का देखूंगा कल। ठीक है, किसी का सर कोई ये कोड क्वेश्चन? शेयर कर देंगे अभी तो, स्पीक्स सॉरी, स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगा, कोड नहीं शेयर कर सकता। स्क्रीन शॉट्स कर देना, नेट थोड़ा खराब जा रहा है इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। वीडियो भी अभी आज की डेट में इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो सर वो आप कह हैप्पी रहे थे कि ना भाई वो मैं ना साथ के मैं वो कर दूंगा रिकॉर्ड, तो जब मीटिंग रखेंगे तो डिस्कशन के लिए कर दिया करेंगे। यार, वो मुझे ना थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगा यार, क्योंकि ना कुछ बहुत से क्वेश्चन होते हैं बंदे को बाद में भूल जाते, इसलिए भी मैंने बोल दिया। क्योंकि सर थोड़े से आगे ना कंडीशंस जो मेरी है ना वो थोड़ी टाइट होने वाली है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी ओपन हो रही है तो लास्ट ईयर चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से फिर क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना, रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होंगी। जी सर, वो जो रिकॉर्डिंग और असाइनमेंट्स वो दोनों कर दिया करूंगा, क्लास का थोड़ा मसला होगा मेरा। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने ऐप देखी है तो जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी मेरी, वहां पे भी आपको मिल जाएगा डिटेल मेरी बैंक अकाउंट की। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी सर इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ।
मिनट और स्क्रीन जरा शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। ओके तो ये मेरी कुछ बैंक डिटेल है, तो आप यहाँ से भी वीडियो को स्टॉप करके आप लोग देख लेंगे कि ये मेरा अकाउंट नंबर है। आप इजी पैसा जैस कैश या बैंक से भी आप मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं। लाइट बैंक सेलेक्ट करना है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, आप लोगों ने देना है, मेरा नाम आ जाएगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग डोनेट कर सकते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अपनी खुशी से करना चाहें तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी सर। ओके अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। वेलकम।